कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो है वो बॉडी के अंदर जब बढ़ना शुरू होता है तो वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम से कम 300 बीमारियों को जन्म देता है। और सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ने शुरू होते हैं तो सबसे पहले वो लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होने का खतरा हो जाता है, हार्ट अटैक होने का खतरा हो जाता है, और साथ ही साथ उनको जोड़ों में दर्द और बहुत सारी चीज़ें, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो बहुत सारी चीज़ें, बीमारियां जो है बॉडी में आती हैं, कईयों की नज़र कमज़ोर होती है, ब्रेन कमज़ोर होता है, और बहुत सारी चीज़ों पे इसका बैड इफेक्ट होता है। तो मैं आपको बता दूँ, अगर कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ रहा है या नहीं भी बढ़ रहा, बचना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो एक काम करना है, अपने लहसुन की आदत डालिए। जो लहसुन होता है उसको सब्जी में लीजिए, दाल में लीजिए, किसी भी चीज़ में पका के लीजिए, मैक्सिमम लहसुन खाने की आदत डालिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि लहसुन को छिलका उतार के उसकी छोटी छोटी दो कलियां लीजिए, उनको पानी में डालिए, और उसके बाद थोड़ा वॉश करने के बाद 2-4 मिनट के बाद ही उनको मुँह में डाल के उसी पानी के साथ उनको निगल लीजिए, ताकि आपको जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है तो वो चंद दिनों में आप देखेंगे कंट्रोल होना शुरू हो गया, क्योंकि ये अजवाए हुए नुस्खे हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़, गर्मी होती है शरीर के अंदर, तो धनिया, धनिया का जो फ्रेश धनिया मिल जाए तो बहुत बढ़िया। फ्रेश धनिया लेकर के, एक तो धनिया की चटनी आपने ख़त्म ही नहीं होने देनी घर पे। जब भी आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आ गई है तो धनिया की चटनी जो है वो आपके घर में हमेशा रहनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि धनिया जो है उसको आप लेंगे पानी में उबाल करके, जब वो एक गिलास पानी में, मान लो 1 चम्मच धनिया का पाउडर डाल दिया, जब वो आधा रह जाए बॉइल करके, तो आप उस पानी को पी सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, बॉडी बिल्कुल शांत और बढ़िया रहेगी। और दूसरी, तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, दालचीनी, हम सबके घरों में होता है दालचीनी। दालचीनी का पाउडर जो है उसको आपने कुछ भी नहीं करना, थोड़ी देर रोजाना, जैसे आधा चम्मच या 1 चम्मच का 1/4 आपने लेना है, उसको आप क्या करेंगे, दूध में ले सकते हो, पानी में ले सकते हो। और दूध तो मैं वैसे भी कहता हूँ कि आपको नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसको पानी में आप लीजिए, दालचीनी को भी और अर्जुन छाल का जो पाउडर है उसको भी आप ले सकते हो। ये जो चीज़ें हैं आप पानी में लीजिए, और साथ ही साथ आप ले सकते हो विटामिन सी। विटामिन सी सबसे बढ़िया आपको आंवले में मिलता है, आंवला अपने घर में होता है, अगर फ्रेश नहीं आता तो आप उसका क्या करेंगे, पाउडर खरीद लेंगे, और उसका जो जूस जस मार्केट में आते हैं वो नहीं आप पानी ले रहे, क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं, उनके नुकसान हो जाते हैं। तो आपने आंवले का पाउडर लेना है, वो पाउडर रात को 1 गिलास पानी में डाल देना है, तो सुबह उठ के उसको अच्छे से हिलाना है, घोलना है और उसको पी लेना है। पीना उसको बहुत धीरे धीरे होता है, क्योंकि कई लोग फास्ट पीते हैं तो गले में इन्फेक्शन होने का डर होता है। आंवले का जो पानी है उसको धीरे धीरे पीजिए, अगर फ्रेश आंवला आ रहा है तो 2-3 आंवले तोड़ के उनका जो वो होता है पल्प, उसको मिक्सी में डालिए, उसमें 1/2 गिलास पानी डाल दीजिए और उसको अच्छे से ग्राइंड करके उसका जूस निकाल के पीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। और कोलेस्ट्रॉल के जो रोगी हैं वो मेरी इस बात को ध्यान से सुन लें, और इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन हमने दिया हुआ है उसमें एक एक चीज़ हमने एक्सप्लेन की हुई है, उसमें जाकर के आप पढ़िएगा अच्छे से, और उसमें हमारा वेबसाइट भी दिया हुआ है, उसमें जाकर के भी आप चेक कर सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकॉन जो हमारा बटन आता है उसके ऊपर भी अपना जरूर थंबनेल लगा दीजिएगा, ताकि हम और बढ़िया से वीडियो आपके लिए लाते रहें।